पीड़ित परिवार ने मैनपुरी पुलिस अध्यक्ष से अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर शिकायत पत्र दिया। मैनपुरी थाना अलाउ क्षेत्र के ग्राम उदीर निवासी सुग्रीव ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मैनपुरी पुलिस अध्यक्ष अजय कुमार को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 11/6/2020 को लगभग शाम करीब 5:30 बजे विनोद कुमार पुत्र कश्मीर सिंह राम प्रकाश श्याम प्रकाश व रवि पुत्रगढ़ विनोद कुमार ने जान से मारने के उद्देश्य से नाजायज असलहों व लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी, जिससे मैं सुग्रीव पुत्र बाबूराम गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार कई बार थाने भी गए, लेकिन पीड़ित की थाने पुलिस ने कोई भी प्रकार की कोई मदद नहीं की और उनको थाने से भी भगा दिया। तभी जाकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कहा। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। ये घटना छप्पन साहब के पास आए, क्या मामला लेके आए हैं? और गोली का था ये घटना, करीब हो गए 3.5 महीने हो गए। 11 जून को लगी थी गोली। अच्छा, आपको? हाँ, अभी तक वो घूम रहे हैं खुलेआम। क्यों मारी गोली उन्होंने? रंजित की वजह से जी। तो उसमें कितने लोग थे जो गिरफ्तारी हुई, कितने लोग? 2 लोग गिरफ्तार हुए, 2 अभी घूम रहे आराम। तो आपने अलाउ थाने में जो जहाँ आपका थाना पड़ता है वहाँ शिकायत की? हाँ। क्या बताया उन्होंने? यही बताया कि आराम से घूम रहे हैं, उन्होंने गोली मारी। जब हम खुद उन्हें बताया तब भी वो गिरफ्तार कर रहे हैं उन्हें। कितने बार आ चुके आप कप्तान साहब के पास? हाँ, आ चुके हम करीब 4 बार। सुनवाई नहीं हुई। आज अभी मिलने गए, क्या कह दिया उन्होंने? यही बोले कि हाँ गिरफ्तार होंगे।